गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट और लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट जैसी खूबसूरती का नज़ारा थोड़े दिनों बाद देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने अपने संसदीय क्षेत्र उस्मानपुर में यमुना रिवर फ्रंट का शुभारंभ करते हुए बताया, करीब एक साल में राजधानी में बनने जा रहे यमुना रिवर फ्रंट का काम पूरा कर लिया जाएगा। ये बड़ा एक ड्रीम है कि रिवर फ्रंट बने और आज उस ड्रीम की शुरुआत हुई है। हम सब नरेंद्र मोदी जी के साबरमती अभियान को देखते हुए ये कार्यक्रम बनाया था और हमारे DDA के संयोजन से ये कार्य शुरू हुआ है होंडा क्षेत्र से और हम बहुत जल्दी इस रिवर फ्रंट के मार्फत इस क्षेत्र को नेशनली एक पर्यटक स्थल बनाना चाहते हैं और उसमें हमारे DDA का बहुत सहयोग है। एक बड़े काम की शुरुआत हुई है जो साल भर के अंदर पूरा किया जाएगा। बता दें कि यमुना पर बनने जा रहे इस रिवर फ्रंट की लागत 24 करोड़ रुपए है। इस रिवर फ्रंट में झील का भी निर्माण किया जाएगा तो वहीं इस रिवर फ्रंट के बनने से इलाके के लोग बहुत खुश हैं। यहाँ पर मनोज तिवारी जी यमुना फ्रंट रिवर के नाम से एक झील का उद्घाटन करने आए थे और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे इधर एक पार्क भी बनेगा और झील भी बनेगी। बहुत सारी चीजें होंगी कि हमारे इधर पर्यटक भी घूमने आ सकते हैं और बहुत सी चीजें होंगी जो कि बाहर के लोग भी यहाँ पर अपना टाइम निकाल कर घूमने आएंगे और यहाँ का एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा है, सब खुला हुआ है और बस मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ हमारे लिए उपलब्ध कराई और उनको दिल से धन्यवाद। कब तक बन जाएगा ये एक्चुअली? ये उन्होंने बोला कि ये एक साल के अंदर अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। आप दूर घूमने जाना पड़ता था, कैसा लगेगा आपको यहाँ पर आके, किस किस तरीके से देखते हैं आप ये? हम लोग तो जैसे तीसरे पुस्ते पे ही रहते हैं तो हमारे लिए तो बहुत ही पास है तो हम इसी वजह से बहुत खुश है कि ये दूसरे पुस्ते पर ही इसका निर्माण हो रहा है और बस मैं खुशी अपनी यही जाहिर कर सकती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। आपको बता दें कि इस रिवर फ्रंट के बन जाने के बाद यह उत्तर पूर्वी दिल्ली का पहला पर्यटन स्थल होगा जिसके लिए DDA ने मार्च के महीने में 74 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया था जिसमें वजीराबाद से ओखला तक रिवर फ्रंट विकसित करने की योजना है। हालांकि अभी इस प्रोजेक्ट का पहला चरण शुरू हो रहा है जिसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क पुस्ते से सिग्नेचर ब्रिज के बीच रिवर फ्रंट बनेगा जिसके लिए यमुना की धारा को चौड़ा किया जाएगा तो वहीं यमुना के किनारों पर 16 लेन का पथ बनेगा जिसमें आम जनता के लिए फ्री वॉक वे होगा, साइकिल ट्रैक, एम्फी थिएटर, रेस्तरां और बोटिंग करने की सुविधा भी होगी। बता दें कि गुजरात में साबरमती नदी पर बना रिवर फ्रंट देश का पहला बड़ा रिवर फ्रंट है और कुछ इसी तरह दिल्ली के इस यमुना रिवर फ्रंट को भी बनाए जाने की योजना है। दिल्ली तक के लिए रोहतास यादव की रिपोर्ट।